निरुपम साहब, जिस तरह से नसीम खान ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कैंडिडेट नहीं दिया जा रहा, जिस तरह से आरोप लगा, क्या कहेंगे? शायद यह एक ऐतिहासिक घटना है कि पहली बार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। इससे निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र के लगभग 1.5 करोड़ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके अंदर भयंकर नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है कि मुस्लिम समाज एकमुश्त वोट कांग्रेस को देता रहा है, बल्कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम समाज का ही वोट मिलता रहा है, और कोई वोट तो मिलता नहीं, हिंदू समाज का तो कोई वोट मिलता नहीं। तो ऐसे में मुस्लिम समाज की जो अपेक्षा है कि कम से कम एक उम्मीदवार मिलना चाहिए मुस्लिम समाज को, वो गैर वाजिब नहीं है। जिस तरीके से उत्तर मध्य मुंबई की सीट पर एक मुस्लिम नेता अपेक्षा कर रहे थे कि उनको उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जिस तरीके से उनकी उम्मीदवारी काटी गई, मेरे पास तो ये जानकारी है कि इनकी टिकट काटने में शिवसेना उबाठा की बहुत बड़ी भूमिका है। शायद शिवसेना उबाठा ने कांग्रेस के हाईकमान के ऊपर ऐसा दबाव डाला कि उनको मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए। ये कमाल की बात है, मुस्लिम समाज के वोटों पर उबाठा की नजर गड़ी हुई है। उबाठा को पता है कि उनका अपना जो वोट है उसके बेसिस पर वो एक भी चुनाव नहीं जीत सकते। अगर उनको चुनाव जीतना है तो कांग्रेस का मुस्लिम वोट चाहिए, और वही उबाठा एक षड्यंत्र करके मुस्लिम समाज की उम्मीदवारी को कटवा देती है, रद्द करवा देती है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज को भी तय करना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के साथ रहें या शिवसेना के साथ, उबाठा के साथ रहें कि नहीं रहें, क्योंकि कांग्रेस वाले तो किसी के नहीं है, और यही हाल उबाठा वालों का भी, और वो भी आपके नहीं है, ये मैं बताना चाहूंगा। और इसलिए जो मेरे पास जो जानकारी निकल के आ रही है पूरे मुंबई से कि मुस्लिम समाज में भयंकर असंतोष है इस घटना को लेकर, और यह असंतोष एक विद्रोह का रूप धारण कर सकता है भविष्य में।